नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपको बहुत ढेर सारा पसीना आता है? क्या आपके पसीने से ख़राब सी स्मेल आती है जिसकी वजह से आपको इन्फीरियरिटी फील करना होता है? यदि आप ऐसी समस्या से सफ़र कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ डिटेल में चर्चा करूँगा कि इतना पसीना क्यों आता है, क्यों पसीने से स्मेल आती है, क्या कोई बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से इस तरह की समस्या हो सकती है, क्या इसकी दवाइयाँ हैं जल्दी के ठीक हो सकते हैं, हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं, क्या कुछ दवाओं के साथ साथ घरेलू नुस्खे भी हैं, घरेलू उपचार भी हैं जिनको करके हम ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं डिटेल में चर्चा करूँगा, दवाओं और घरेलू नुस्खों का सेक्शन में लास्ट में रखूँगा वीडियो का, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो चालू करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हैं या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें, आप तक पहुँचते रहें, आप उसका फ़ायदा ले पाएँ। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही ये होता है, मैं अपनी बात कम समय में ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा सकूँ और ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा ले सकें। तो बगैर लेट के मैं वीडियो पर आता हूँ दोस्तों, कि पसीना क्यों इतना आता है। सबसे पहले तो पसीना ही क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो स्किन है, स्किन में छोटे छोटे स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियां होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 2 से 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, इन्हीं से पसीना निकलता है। पसीना कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है, ये फ़ायदेमंद है, ये शरीर का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ये शरीर को ठंडा रखता है। पसीने में किसी तरह की खुशबू या बदबू नहीं होती है। पसीना क्लियर वाटर होता है, क्लियर वाटरी होता है, बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। ये टेस्ट करने में थोड़ा सा सॉल्टी जैसा लग सकता है, ये पसीने की प्रॉपर्टी होती है। दोस्तों, अब बात होती है कि अगर पसीना ऑर्डरलेस होता है, कोई खुशबू बदबू नहीं होती इसमें, तो फिर भी बदबू हमारे शरीर से क्यों आती है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पसीने में कोई बदबू नहीं होती है। हमारे शरीर में जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीना पैदा करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं वहाँ, उनमें एक खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो आके ग्रो करने आते हैं या आके स्टे हो जाते हैं, रुक जाते हैं। यही बैक्टीरिया जो होते हैं बदबू पैदा करते हैं, जिससे शरीर से बदबू आती रहती है। दोस्तों, अब बात होती है कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से मिलता है पसीना ज़्यादा होता है या बदबू ज़्यादा आती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले कि यदि आप फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको पसीना आ सकता है। यदि आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है या मेंटल स्ट्रेस में है तो पसीना आ सकता है। यदि आपको बुखार आया है तो भी पसीना आ सकता है। यदि आप थायराइड ग्लैंड की बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, HIV से सफ़र कर रहे हैं, या आपका शुगर लेवल कम हो रहा है, मतलब डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के साथ साथ आपका शुगर लेवल कम हो रहा है, अपनी नॉर्मल लिमिट से कम हो रहा है, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, इस कंडीशन में भी आपको पसीना आ सकता है। यदि आप सेप्सिस की कंडीशन में हैं, शरीर में बहुत ढेर सारा इन्फेक्शन हो गया है, हॉस्पिटलाइज हैं, ICU वगैरह की ज़रूरत है, ऐसी कंडीशन में भी बहुत ढेर सारा शरीर से पसीना आता है। ऐसे पेशेंट जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनमें बहुत पसीना आता है। ऐसी माताएं बहनें जो 40 प्लस फीमेल हो चुकी हैं, 40 की उम्र से ज़्यादा हो चुकी हैं, जिनका मीनोपॉज आ गया है, जिनका मीनोपॉज मतलब कि जिनका महावारी बंद होने वाला है या बंद हो गया है, ऐसी फीमेल्स में भी पसीना बहुत ढेर सारा आता है। दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे यदि आप सिगरेट पीते हैं, यदि आप शराब पीते हैं तो आपको पसीना ज़्यादा आने की संभावना रहती है। दोस्तों, अब बात होती है कि क्या ऐसी दवाइयाँ हैं जिनको ले के हम ठीक हो सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत अच्छे पेशेंट ठीक होते हैं, बहुत अच्छे ठीक होते हैं। मैं जिन दवाओं को आपके डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इन दवाओं में खुद पेशेंट को ठीक किया हूँ और अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, अच्छे पेशेंट ठीक किए हैं मैंने। इसमें पहली मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, पहली मेडिसिन है सालिसिया 6X, पोटेंसी इसकी 6X लेनी है। सालिसिया मेडिसिन की पिक्स लगाते चल रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये मेडिसिन बेसिकली उस कंडीशन के लिए इंडिकेटेड होती है जब शरीर से बहुत ढेर सारा पसीना आता रहता है, स्पेशली पैर का पसीना बहुत बदबू करता है, पैर के पसीनों से बहुत स्मेल आती है। शूज़ या सैंडल अगर पेशेंट ओपन कर देता है तो बैठना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपके लिए सालिसिया 6X की 4-4 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खाइए, इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। दूसरी मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मेडिसिन की 30 पोटेंसी आपको लेनी है। ये मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये मेडिसिन उस कंडीशन के लिए अच्छी मेडिसिन साबित होती है जब शरीर से बहुत ढेर सारा पसीना आता है,
बहुत पसीना आता है, स्पेशली बगलों के पसीने, एक्जिला के पसीने, साइड के पसीने बहुत स्मेल करते हैं, इतनी स्मेल करते हैं कि अगर पेशेंट रूम में एंटर कर जाता है तो वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, इतना स्मेल आती है दोस्तों। यदि आपके पसीने, साइड के पसीने बहुत बदबू कर रहे हैं तो आपको पेट्रोलियम 30 पोटेंसी लेनी है। इस मेडिसिन की दो दो बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए, इफेक्टिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये तो दवाओं की बात हुई, मैं आपसे कुछ घरेलू उपचार की बात करूँगा। शायद आपने भी सुना होगा, मैं पहला बताने जा रहा हूँ, शायद आप सुन चुके होंगे, नींबू। नींबू दोस्तों बहुत अच्छा होता है। नींबू को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो जो आप पानी में डाल के पानी से नहाते हैं उस पानी में स्क्वीज करके डाल दीजिए, उस पानी से नहा लीजिए, पूरे शरीर का पसीना कम कर देगा, ये पसीने पूरे शरीर को साफ कर देगा। नींबू का जो टुकड़ा हो टुकड़ा लीजिए, उस टुकड़े को अपने आम पे एक्जिला में रगड़िए, मसाज करिए, रगड़िए मतलब मसाज करना है, जेंटल मसाज करना है, और एक एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक कोई भी सर्कुलर में उसे गोल गोल घुमा घुमा के आपको करना है। अगर आपके बगल में ब्लैकनेस हो रही है तो भी ठीक होगी, पसीना ज़्यादा आता है वो कम होगा, स्मेल जो ज़्यादा आ रही है वो भी कम होगी। ये नींबू का उपचार हुआ दोस्तों। दूसरा, अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा, होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें, ये पसीने को भी की भी स्मेल को भी कम करता है, साथ में पसीना बनने की प्रक्रिया को भी कम करता है। दूसरी बात होती है ब्लैक टी, ब्लैक टी आप लीजिए दोस्तों। ब्लैक टी को बना लेना है, मतलब ब्लैक टी डाल के पानी में उबाल लीजिए, उस ब्लैक टी के पानी से आप अपनी एक्जिला को जेंटल मसाज करिए, धीरे 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 अप करके साफ करिए, स्मेल आपकी चली जाएगी, पसीना आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट होता है कि एप्पल वनेगर, एप्पल का वनेगर लीजिए, मतलब एप्पल का सिरका लीजिए, सेब का सिरका लीजिए, सेब के सिरके की दो दो बूंद, दो दो चम्मच सुबह दोपहर शाम तीन बार आप पीजिए। थोड़ा सा पानी ऐसे तो नहीं पी पाएंगे, थोड़े से पानी में डाल के पीजिए, सुबह दोपहर शाम तीन बार पीजिए। साथ ही साथ इसी सिरके को पीना भी है और लगाना है, धीरे 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 करके आप लगाइए, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये कुछ घरेलू उपचार हुए और दवाइयाँ हुई, ये करके आप अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मैं फ़ायदेमंद जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके फ़ायदा दिलाइए। अपना बहुत ख्याल रखिए, लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।